ऑयल भी है इसमें और परफ्यूम भी है, पुराने ज़माने का बेड है ये। अच्छा ऊपर भी है कुछ। अच्छा दीवारों में इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। अच्छा इन्होंने तरूत यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि दिस हिस्टोरिक फोर्ट वॉज बिल्ड बाई अब्दुल्ला पाशा इन 1875। म्यूज़ियम के बाहर के नज़ारे हैं, ये सामने वो कैसल है और वो मस्जिद है। इसी म्यूज़ियम के बाहर के मनाजिर हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है डेकोरेट किया हुआ है इसको। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं एक कतीफ का एरिया है जो कि तरूत आइलैंड के नाम से है। बेसिकली आता कतीफ के एरिया में है, ये पर्शियन गल्फ पेनिनसुला का जो एरिया है उसमें ये एक बहुत ही आर्कियोलॉजिकल और एंशंट साइट मौजूद है जिसका नाम है तरूत कैसल, जो कि 5000 साल कबल मसीह इस एरिए में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी। इस एरिए को बहुत अच्छा माना जाता था इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली फिर इस एरिया को थोड़ा सा जो आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कवर करने के बाद जो है इनहेबिटेट किया गया, वो 1911 में किया गया। तो आइए साथ देखते हैं कि अंदर क्या चीज़ है। यह है जी वो कैसल, हम देखते हैं यहाँ पर अंदर जाने का कौन सा और कहाँ से रास्ता है। वैसे तो यहाँ पर पार्किंग जो है वो फ्रंट साइड पे बनी है, ये जो मस्जिद देख रहे हैं इसके सामने पार्किंग है कि मतलब इसके अराउंड, इसके आगे जो है राउंड अबाउट है। हम आगे चलते हैं, मस्जिद इमाम अल खतीफ। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ कैसल के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर अरबिक में बोर्ड लगाया हुआ है कि मुगलक अलसियाना, मतलब ये क्लोज है किसी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो अब क्या कर सकते हैं, बाहर से देख लेते हैं, बाकी हिस्ट्री मज़ीद जो है इसकी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जो है शॉप्स बनी हुई हैं। ये भी इस तरूत कैसल के साथ ही मस्जिद इमाम अल काज़िम के नाम से ये मस्जिद बनी हुई है, जिसका दरवाज़ा देखें बहुत खूबसूरती से इसमें आर्ट वर्क हुआ हुआ है और सूरतें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर। फ़िलहाल ये भी बंद है। अगर इस एरिया को देखा जाए तो ये पूरा मतलब कि एंशंट टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर इर्द गिर्द जो माहौल बनाया हुआ है शायद उसका थोड़ा सा इस इर्द गिर्द के एरिए को रिजेम्बलेंस देने के लिए वैसा ही मेंटेन करके रखा हुआ है। कुछ शॉप्स बनी हुई हैं और रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह और कुछ बहुत कदीम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये उधर ही उसके बाहर एक शॉप बनी हुई है। पुरानी बच्चों की पढ़ने की बुक्स, यहाँ पे कुछ करेंसी भी लगाई हुई है इधर इन्होंने। पुराने कोल्ड ड्रिंक्स भी, स्विंग मशीन, टीवी, कैसेट्स हैं। भाई ने बड़ी कलेक्शन रखी हुई है वैसे करेंसी की, मतलब अरबी की हैं, कुछ इंग्लिश भी हैं। हम यहाँ आए थे इस शॉप में, जो कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ों की शॉप है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा करेंसी भी रखी हुई है इन्होंने और मतलब बहुत अच्छी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं। तो इन्होंने सामने एक रेस्टोरेंट था, उधर से इन्होंने ऑफ़र किया कि भाई चाय पियोगे, या उमानी लेमन के नाम से एक नाम ले रहे थे। तो उन्होंने जो है ये हमें उमानी लेमन एक टी टेस्ट करवाई, जो कि उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट है। हमने लेमन फ्लेवर्ड भी पिए हैं, लेमन इस तरह का नहीं होता, पर जो ये इसका टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने थोड़ा चूरन मिक्स किया हुआ, चूरन मिक्स और लेमन के साथ।
ये जी इधर इर्द गिर्द में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कैसल तो बंद है और ये कैसल है मेंटेनेंस की वजह से बंद किया हुआ है। बाकी ये जहाँ फ्लैग लगा हुआ देख रहे हैं आप, यहाँ पर इन्होंने कुछ चाय वगैरह का ढाबा बनाया हुआ है और हैंडीक्राफ्ट्स और एंटीक्स की शॉप है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए तो और कुछ और एरिया को कवर कर लिया जाए। पूरा ये एरिया को बंद किया हुआ है, नीचे की साइड पे कुछ लोगों ने फार्मिंग वगैरह की हुई है और बस ये किला है। अच्छा हो सकता है इसको थोड़ा सा प्रिजर्व कर रहे हों और कुछ मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हों उसकी। ये छोटी छोटी गलियां हैं इस एरिया में और कल्चरल हेरिटेज, ये मतलब बहुत ही ओल्ड टाउन के हिसाब से बना हुआ है। वो देखें बहुत पुरानी इमारत है और ये कुछ टूटी हुई इमारत है। अच्छा जगह जगह इन्होंने जो है हेरिटेज के हवाले से बारकोड लगाए हुए हैं। अच्छा दिख रहा है क्योंकि बेसिकली ये एरिया जो है बिल्कुल ही कोस्टल एरिया है, समंदरी एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एरिया बेसिकली ट्रेड पुराने ज़माने में यानी 5000 कबल मसीह पर्शियन गल्फ़ के एरिए के दौरान ये ट्रेडिंग का एरिया होता था बाय सी। किसी ने इंजन खोल के रखा हुआ है इधर किसी चीज़ का। ये जी एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन्होंने, तो अंदर चल के देखते हैं। जिसकी 15 रियाल फीस ली है इन्होंने। यहाँ पर ओल्ड चीज़ें हैं, ये मैकेनिकल कामों में इस्तेमाल किया जाता है और ये जगह भी ओल्ड स्टाइल में ही बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये किसी इंडिविजुअल तो नहीं, जो कल्चरल हेरिटेज होता है किसी भी मुल्क का उनकी तरफ से ही है ये शॉप, मतलब जो एरिया म्यूज़ियम का है, शॉप कह रहा हूँ गलती से। ये पुराने स्टाइल वाली वॉल क्लॉक्स लगी हैं, पेंटिंग है और ये कुछ फोनोग्राफ, ये सारी वही क्लॉक आ गई। ये कुछ मर्तबान है, ये तलवार है और कुछ बॉटल्स हैं, ये दिए। अच्छा ये साइको के डिफरेंट मॉडल रखे हुए हैं पुराने, बहुत महंगे होंगे, एंटीक है। लाइटर्स की कलेक्शन रखी हुई है, बाइनोकुलर रखे हुए हैं, कैमरा पुराने ज़माने का, ये टीवी पुराने ज़माने का आएगा, कैमरा। ये माशाल्लाह से कुरान शरीफ के पुराने नुस्खे रखे हुए हैं इधर, 150 ईयर ओल्ड। ये इस्फहान ईरान के एरिया से ये पुराने नुस्खा आएगा जो कि 120 साल पुराना है। ये मेरे ख्याल में ब्रास का लग रहा है, ये देख, ये है एंशिएंट इनग्रेव्ड कॉपर। अच्छा कॉपर का पॉट है ये, 120 साल पुराना। ये पुराने चाकू और कुल्हाड़ी हथौड़े, ये तो हमने भी देखे हैं छोटे होते थे तो गलियों में जो लोग दूध बांटने आते थे मोटरसाइकिलों पे, इस तरह के उनके पास होते थी। ये जी और मर्तबान हैं और कुछ ड्रम्स हैं, पानी के कंटेनर्स हैं। ये छोटी से पूरी एक सीक्वेंस है देखी जो कि कॉपर की 90 साल पुरानी। ये कुछ इलेक्ट्रिकल नहीं सॉरी मतलब के पानी गर्म करने वाले जो जग होते हैं इनके। ये पुराने टाइपराइटर रखे हुए इधर। अच्छा जी ये बोट का जो है स्विमिंग मशीन मेड इन जर्मनी, क्योंकि 1885 की है ये, 1920 की है, 1940 का ये टाइपराइटर है वो 1980 का। अच्छा ये अरेबिक हैंडराइटिंग वाला हैगा जो कि 1980 का हैगा और ये जो है इंग्लिश टाइपराइटर है।
क्या चीज़ है, ये कंपास है। ऐसे पुराने ज़माने में मेरे ख्याल में जो हार्बर पे जो चेन ब्लॉक्स वगैरह लगते थे सामान शिफ्टिंग के लिए, ये उसका दिखाया हुआ है। क्योंकि उस तस्वीर में ये दिखा रहा है जो मछेरे, मतलब कि जब किसी जहाज से बोट से जो है मछली निकालते थे तो उसका ये सिस्टम बनाया हुआ है। और यहाँ पर कुछ ये उसका सैंपल बनाया हुआ है कि यहाँ बोट पर किस तरीके से उसके जो है विंड कंट्रोल के लिए जो कर्टन्स लगाए जाते हैं उसमें भी यूज़ होता है और सामान उठाने में भी। अच्छा, ये कुछ समंदरी नमक है जो कि बहुत पुराना लग रहा है मुझे। चाय के कप्स हैं पुराने। अच्छा, ये कुकर बने हुए, ये बहुत पुराने कुकर हैं ये, पर इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये भी सारे टी पॉट्स हैं सारे मुख्तलिफ। ये कोई मेरे ख्याल में ग्राइंडिंग मशीन है, ये कॉफ़ी ग्राइंडिंग है। ये इनके लिए कल्चरल लेडीज प्रेस है। और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो पुराने ज़माने में ड्रिंक्स होती थी ये उसके सैंपल रखे हुए हैं। ये जैसा कि पेप्सी देख रहे हैं, बड़ी अजीब ही किस्म की बॉटल है, या तो हो सकता है कोई डिफेक्टेड बॉटल हो जो इधर रख दी हो उन्होंने। ये पूरे क्रेट के क्रेट रखे हुए हैं पेप्सी कोला के, कोक के, फांटा के। अच्छा, पहले किसी ज़माने में हो सकता है कि इस तरह का बड़ा ड्रम आता उससे ये रिफिलिंग करते होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉटल लगाई हुई है उसने पंप में। वाइट माउंटेन फ्रीज़र है कोई। ये पुराने ज़माने की गाड़ियों के नंबर प्लेट हैं, बस के, ट्रक के, ये प्राइवेट। अच्छा, यहाँ पर ये पुराने ज़माने के इत्र रखे हैं इधर जो खुशबू। ऑयल भी हैं इसमें और परफ्यूम भी है। पुराने ज़माने का बेड है, ये अलमारी है और कुछ इस तरह के संदूक रखे हुए हैं। मिरर है ये, और ये आटा पीसने वाली चक्की जो मैनुअल होती थी पुराने ज़माने में, और ये चटनी कूटने वाले आजकल जो यूज़ होता है, आजकल तो नहीं पुराना ही है कुछ, ये पुराने ज़माने के संदूक हैं। अच्छा, ऊपर भी है कुछ। अच्छा, दीवारों में इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। अच्छा, इन्होंने तरूत यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि दिस हिस्टोरिक फोर्ट वॉज बिल्ड बाई अब्दुल्ला पाशा इन 1875। म्यूज़ियम के बाहर के नज़ारे हैं ये। सामने वो कैसल है और वो मस्जिद है सामने, वहाँ से हम वहाँ थे थोड़ी देर पहले हम। और ये पुराने घर से जो बने हुए इसके इर्द गिर्द में, ये उसके नज़ारे हैं। ये ऊपर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इधर इन्होंने। अच्छा, ये ओरिजिनल फ़ोटो की इन्होंने कलेक्शन रखी हुई है जो कि वो उन्होंने लिखा है कि ओरिजिनल है, देहरान एयरपोर्ट की कुछ और आरामको की। नीचे टेबल पे इन्होंने कुछ करेंसीज रखी हुई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, जिसमें डॉलर है, पाउंड है, और अर्जेंटीना की कुछ करेंसी है, मेक्सिको की है, पेरू की है, इराक की है। ये किंग सलमान की तस्वीर है जो कि 1970 में खींची गई थी। ये आप परचेज भी कर सकते हैं, 30 रियाल इन्होंने लिख के लिखा हुआ है, फॉर अगर आपको चाहिए तो फॉर हैविंग 30 साल मैंने आप ख़रीद सकते हैं। ये पुराने ज़माने के स्टैम्प से इन्होंने कलेक्शन रखी हुई है इधर। ये जी बखूर हैं बहुत पुराने जो कि 30 से 40 साल पुराने आएंगे। ये थे जी यहाँ के मनाज़र, और यहीं तक का था ये, मतलब कि ये म्यूज़ियम। बाकी अब चलते हैं, बेगम आई नहीं, उसने कहा मैंने नहीं आना, आप हो क्या हो, तो हम चलते हैं वापस। अच्छा, 15 रियाल थी इसकी एंट्रेंस फ़ीस, जिसमें आपको काफ़ी सऊदीया के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप विज़िट करना चाह रहे हैं तो। म्यूज़ियम के बाहर के मनाज़र हैं
और काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है डेकोरेट किया हुआ है इसको। बाहर के मनाजर कुछ इस तरीके से हैं, इन्होंने बाहर बोर्ड बना के रखी हुए हैं। बिल्डिंग्स यहाँ पर जो है बिल्कुल ही उसमें कोई रहता नहीं है, जैसा ऐसा ही मतलब कि खाली छोड़ी हुई हैं। चलें जी चलते हैं हम वापस, यहीं तक का था आज का सफ़र। तो दोस्तों ये था आज का जो है आपको मनाजिर मैंने दिखाए हैं इसके तरुत कैसल के, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और इसके अलावा इसके इसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूम भी मिलेगी यहाँ पर सऊदी के कल्चर और हेरिटेज के हवाले से, करेंसी के हवाले से, और किस तरीके से मतलब के डिफरेंट जनरेशन गुजरी है वो इन म्यूज़ियम में आप जान सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।